नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल डे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भारती सिंह। जन्मदिन, जिसको हम एक पर्व भी कह सकते हैं, यह एक ऐसा दिन होता है जो हर इंसान मनाता है। यह साल में एक बार मनाया जाता है। मनुष्य की जिंदगी का सबसे खास और बेहतरीन दिन हम जन्मदिन कह सकते हैं, और जन्मदिन है एक ऐसी शख्सियत का, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का। भारतीय राजनीति की सफलतम बहू सोनिया गांधी का जन्मदिन है। उन्होंने अपने जीवन के 74 साल का सफर ऐसे समय पूरा किया है जब उनकी पार्टी अपने सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। ऐसे में गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के नए वारिस की सोनिया गांधी को भी तलाश है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पहले कार्यकाल में सोनिया ने 19 साल तक पार्टी की बागडोर संभाली। राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद एक साल से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं। पहली पारी में सोनिया ने जहां पार्टी को करिश्माई नेतृत्व दिया, वहीं दूसरी ओर पार्टी में वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में ज्यादा नजर आई हैं। सोनिया गांधी ने 22 साल पहले जब पद संभाला, तब देश की सियासत में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी तूफान मचाई हुई थी। थर्ड फ्रंट की राजनीति भी अपने सियासी उफान पर थी। उस दौर में शत्रुओं के आगे कांग्रेस बेबस नजर आ रही थी। ऐसी हालत में सोनिया गांधी ने नेतृत्व संभालकर कांग्रेस को नई संजीवनी दी और उसे फिर से राजनीति के शीर्ष पर पहुंचा दिया। सोनिया 1998 से 2017 तक पार्टी की अध्यक्ष रही। 2004 में उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। ये उन्हीं का करिश्मा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की उपलब्धियां और शाइनिंग इंडिया, फील गुड का नारा धूमिल नजर आया। कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी कर केंद्र में सरकार बनाई। सोनिया ने तब खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार करते हुए इस पद पर मनमोहन सिंह की ताजपोशी करवाई, जिसे आज भी कई सियासी जानकार राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। हालांकि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति में आने को तैयार नहीं थी। सियासत में उनकी भागीदारी धीरे धीरे शुरू हुई। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि सोनिया को कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय करने के लिए पार्टी के कई नेता मनाने लगे थे। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी कि उनके बगैर कांग्रेस खेमों में बढ़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सोनिया गांधी अधिवेशन में पहली बार 1997 में आईं। उन्होंने पद लेने के बजाय पार्टी के लिए प्रचार से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1998 में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पार्टी को मजबूत किया। वो न तो बहुत अच्छी हिंदी बोल पाती थी और न ही राजनीति के दावपेचों से बहुत अच्छी से वाकिफ थी। इसके बाद भी पार्टी पर उनकी पकड़ काबिले तारीफ रही। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1999 का लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं कि वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी को उस चुनाव में करगिल युद्ध और पोखरण परमाणु विस्फोट का राजनीतिक लाभ मिला। तो ये था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जीवन सफर। आज स्पेशल डे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।